latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. भाई बैठ भाई, ओ हेलो Ever since we have heard about Salman Khan and Jacqueline Fernandez's romantic song in Race 3, we have all been desperate to see this hot couple together. And now, much before the film is releasing, the hot couple will be seen on the cover page of the upcoming edition of Filmfare magazine. Here we have a hot pic where the leading couple is dressed in black. The oomph and hotness the two are exuding in this pic is enough to turn up the temperature by quite a few degrees. And we are sure that just like us, you too would be drooling over this amazing and hot pic. Hai na? Guys, welcome to Movies Adda. I am your filmy host Amarpreet. Guys, Salman Khan ko bahut acche tarike se pata hai ki fans ki excitement ko kis tarike se badhaya jata hai. Unki marketing skills bahut hi badhiya hai. ये कॉम्प्लीमेंट मैं सलमान खान को इसलिए दे रहा हूँ कि हाल ही कुछ दिनों पहले अप्रैल 27 को उन्होंने फेसबुक पे अपने पोस्ट में अपना और जैकलिन का पहला पोस्टर रिलीज किया था। अब कुछ दिनों बाद 10 दिनों बाद उन्होंने एक और पोस्टर रिलीज किया है जिसमें हम देख सकते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस बॉबी देओल के साथ एक काफी रोमांटिक से पोज में देख सकते हैं। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि फिल्म में ऐसे कुछ ट्विस्ट होने वाले हैं, वो एक तरफ सलमान खान के साथ भी है, एक तरफ बॉबी देओल के साथ ही भी है। जैसे हम रेस के पहले फ्रेंचाइजर में ये चीजें देख चुके हैं कि वहां की हीरोइन कभी यहाँ होती है कभी यहाँ होती है, उनकी वजह से पूरा जो है महाभारत शुरू होता है, रेस शुरू होती है और कहीं ना उन्होंने भी इंडिकेशन दिया है कहीं ना कहीं कि किस तरीके की स्टोरी होने वाली है। यहाँ पे जैकलिन फर्नांडिस जो है वो कभी इधर वाला रोल अपनाने वाली है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, और उन्होंने साथ साथ में एक कैप्शन भी दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि सीइंग इजंट ऑलवेज बिलीविंग इन दिस रेस, कौन क्या है पता चलेगा सून। सो अब आप लोग ही जानिए इसका मतलब क्या है, आप लोग गेस करिए कि इसका मतलब क्या है। ये इशारों में सलमान शायद यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कैसा है कौन क्या है, मतलब ये एक्चुअली बेसिकली वर्ड्स के साथ और फोटोग्राफ्स के साथ फैंस के माइंड से खेल रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि स्टोरी क्या है, प्रेडिक्ट करना अभी से शुरू करें और हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती रहे। वैसे भी आप ट्रेलर रिलीज करने वाले होने जल्दी है ना, हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ा रहे,
बढ़ाओ सर बढ़ाओ, हम भी वेट कर रहे हैं, देखते हैं ट्रेलर कब रिलीज होता है। सो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, कुछ भी अगर आप सीरीज से हिंट मिल रहा है कि यू नो ये बॉबी देओल के साथ रहने वाली है, बॉबी देओल के साथ मिलकर सलमान को धोखा देने वाली है, या एंड में सलमान खान के वापस जाने वाली है जैकलिन फर्नांडिस, आप लोग हमें बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में, और ये हमें जरूर बताएं कि रेस 3 के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो आप बीइंग फिल्मी पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मूवीज अड्डा को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ढेर सारा करें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन। Salman Khan is one star who loves to appreciate talent, and when Salman has promoted something, then success is definitely destined. And so when Harshvardhan Kapoor's film Bhavesh Joshi was launched, Salman could not help but share the teaser on his official Twitter handle and wish the team luck. When Salman asks his fans to watch the teaser, then who would say no? Salman has been following Harshvardhan's career graph closely and is doing his bit to help him gain a foothold in the industry. On the work front, Salman is busy with the post-production work of Race 3, where he would be sharing screen space with Harshvardhan's father, Anil Kapoor. So now, what do you have to say about Salman's kind gesture? Do let us know by commenting in the section below. साइड तो देगा, साइड तो देगा, साइड लेना इधर, छोड़ना यार, जगह छोड़ना, जगह छोड़ना, साइड साइड साइड, रवि ऊपर, रवि ऊपर, ऊपर किधर? साथ में, जैकलिन, जैकलिन, जैकलिन साथ में, अरे साथ में, अरे हमारा चुप चाप कर चुप चाप, अर्जुन सर, 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 अर्जुन कीजिए अर्जुन सर, इससे बेटर पोस्ट क्या मिलेगा, तीन मस्ताने जगह जिंदगी बना। पीछे उनकी गाड़ी, अरे भाई ऐसे ही शूट होता है, एक मिनट, अरे भाई ये बच्चे लोग हट के रहो, ऐसा शूट कर रहा है, अरे ऐसे समझ में आया, ये जैकलिन की गाड़ी है, अरे दरवाजा बंद कीजिए, बस क्या अर्जुन सर, तू क्या कर रहा था, दो पैसे का, ये पार्टी तेरे पास ही है, वरुण भाई आपका हाथ काला किधर है, अरे पूछने तो पड़ेगा ना, हाथ काला दिया था, नारायण दादा थोड़ा पीछे, ए भाई मोबाइल गाड़ी पर मत सक, कैप्चर कर दिया, सीधा कर, कितना फुटेज चाहिए, सर अच्छा होगा गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खुलेगा, बढ़िया हो गया, कड़क हो गया, पैर के ऊपर चढ़ा चढ़ा, अरे जाने देना, ओए चलो चलो सर, ए भरद्वाज, अरे हाथ हाथ क्यों, सब इसमें पैक किए हैं, चलो पीछे से आ रहे हैं हम, पीछे से चलो, ऐसे काट काट के दिया था भाई, काट के दरवाजा निकालेगा क्या, ये बेटा एक मिनट, ये तो दिखाई नहीं,
अच्छा मायला अरे मैडम जी इधर क्या हुआ. Ever since we had heard the news that Salman Khan would return as the host of the famous game show Das Ka Dam, like all Salman fans, we too were quite excited. And then the promo of the show was aired and we were all thrilled. But then something shocking and unimaginable happened. A fringe group has now taken offense at the promo and has now decided to protest the show. Yes, a source has revealed that the promo shows Salman kissing a participant. And as Salman would be kissing all the people winning the show, this group felt that it was promoting anti-Indian culture and so should not be aired. Well, after the protests following Padmavat, now seeing Salman's show Das Ka Dam come under the scanner is quite shocking. And we wonder what the makers will do next. Any guesses? Salman Khan has a great fan following across the globe. And after the success of his film Bajrangi Bhaijaan, Salman's fan following from Pakistan increased many fold. And while his film Tiger Zinda Hai was banned in the neighboring country, we now hear that his Eid release Race 3 will soon be releasing in Pakistan as well. And that too in a grand manner. Speaking about this film, it is the third installment of the hugely successful race franchise and will have Bobby Deol, Saqib Saleem, Jacqueline Fernandez starring in titular roles. And now that the fans in Pakistan too are desperately waiting for the film to release, we are sure that the box office bells will definitely jingle double time. Don't you think so? Do let us know by commenting in the section below.